गुड मॉर्निंग। आज हम डिटरमिनेंट पे सेकंड लेक्चर दे रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं और माइनर्स क्या होते हैं। आज हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये दो चीजें निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये दो चीजें निकालेंगे और दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। सिंपल सा काम है, जैसे जो हमने कल किया है वो भी यूज करेंगे इसमें, और इनवर्स और एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है वो भी देखेंगे। तो हम कोई लेके चलते हैं, लेट ए बी द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसके एलिमेंट्स हम अपनी मर्जी से कुछ मान लेते हैं, 3 2 6 1, 1 -1 3, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की, और हमें बोला जाता है कि एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालो और इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालो। तो कैसे निकालते हैं आप ये देखोगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कल भी देखा था कि कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को, और जो भी डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं इस लाइन के अंदर लिखे जाते हैं, -1 6 -1 3 1 3। कई बार हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे भी एज ए मैट्रिक्स ही यूज कर देते हैं, डिटरमिनेंट का साइन ये होता है, जब डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो साइन ये यूज करना है, मैट्रिक्स का साइन यूज नहीं कर देना है। अब आपको बताया था कि डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो यू गॉट द सेम वैल्यू। तो मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड बाई R1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो R1 के अलावा एक्सपेंड किया, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5, और 5 के सामने वाला कॉलम और एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास क्या बचा, 6 -1 1 3। फिर उसके बाद क्या आता है, सेकंड, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट -1, तो और सेकंड एलिमेंट का साइन क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, दैट इज माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 आ गया। अब 1 के सामने वाला कॉलम और रो खत्म हुआ, 2 1 और 1 3। इसी तरह से फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 3 और साइन प्लस का होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 1 6 -1, ये कॉलम एलिमिनेट कर दिया तो ये आ गया आपके पास। अब इसको इवेल्युएट करेंगे, 5 × 6 3 = 18 + 1, जब इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगता है, +1 6 -1, +3 -2 -6, तो आपके पास क्या आ गया, 5 × 19 +1 × 5 +3 × -8, तो कितना आ गया, 19 5 = 95, 5 - 24 100, -24 दैट इज 76 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इसके ये वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आता है तो ए इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। अब इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमें डिटरमिनेंट के बाद क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है मैट्रिक्स। अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, जो ए मैट्रिक्स है इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स क्या है, C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया तो क्या है, 6 -1 1 3, तो क्या आ गया, 18 + 1 दैट इज 19। और हमने कल किया था कि जब भी सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स का नंबर ऑड आता है, सम करें तो ऑड आता है, तो साइन क्या लगता है, माइनस का, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 1 3, तो क्या आ गया, -6 - 1 दैट इज -1। इसी तरह से C13, 1 3 ऐड किया 4 आया, इवन नंबर है, तो 2 1 6 - 1 क्या आ गया, -2 -6 दैट इज -8। इसी तरह से हम
C21 निकालेंगे, C21 21 कैसे निकालेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा -1 -1 3 3, तो क्या आ गया आपके पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो ऑड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव लगेगा, -3 + 3 = 0। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 1 3 3, तो कितना आ गया 15 - 3 दैट इज 12। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 1 -1 -1, और यहां पे क्या लगेगा माइनस, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड कॉलम को ऐड करें तो ऑड नंबर आता है, तो -5 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरह से C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या देगा -1 6 3 1, -1 -18 -19। C32 करते हैं तो ये आएगा थर्ड रो 5 2 3 1, तो क्या आ गया आपके पास माइनस लगेगा यहां पे -5 -6 एंड दैट इज 1। इसी तरह से C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 2 -1 6, तो क्या आ गया 30 + 2 दैट इज इक्वल टू 32। तो वी हैव फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए और डिटरमिनेंट ए निकाल लिए। अब इसके आगे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाले और डिटरमिनेंट हमने पहले निकाला हुआ है 76 आ रहा है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकाला, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे ADJA स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल ए, एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ते हैं इसको। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास को फैक्टर्स निकले हैं वो सारे लिखेंगे, 19 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, और इसका ट्रांसपोज। तो जो भी हमने कोफैक्टर्स निकाले वो उसकी जगह पे लिख दिए और उसका ट्रांसपोज क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ट्रांसपोज को हम हटा दें तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो जो फर्स्ट रो है दैट बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है दैट बिकम्स द सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो है दैट बिकम्स द थर्ड कॉलम, तो दैट इज दैट बिकम्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। अब इसके आगे आता है एक स्टेप और है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ए का इनवर्स, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं ए इनवर्स इस तरह से। तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, ए 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये दोनों चीजें ही हमने निकाली हुई, दोनों चीजें क्या है 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 76 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है 19 - 5 - 8 0 12 4 - 19 1 32, तो दैट बिकम्स द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई थी उसका हमने इनवर्स निकाल लिया। तो ये तरीका है कि किसी मैट्रिक्स से इनवर्स या एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए सिंपल सा काम है, डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, फिर एडजॉइंट और जब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया तो हम इजीली इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू